हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त राम गोपाल साचोरी। तो लीजिए शुरू करते हैं अपने जम्बेश्वर भगवान के बारे में। आज कुछ खास करते हैं बातें और इनके जीवन परिचय के बारे में बातें करते हैं। जाम्बे जी को जन्म 1551 में हुई हो। पिताजी को नाम है लोड जी पंवार और माता जी को नाम अंसा कंवर था। ये अपने माता पिता के एकमात्र पुत्र थे। जम्बो जी अपने जीवन के शुरुआती 7 वर्ष तक नहीं बोलिया, न ही चेहरे माते हंसी रहती और 27 वर्ष तक गोपालन किया। तो आज आप बात करा कि आमने विष्णु समाज की जो स्थापना है और विष्णु समाज है कि तू स्टार्ट हुई हो, तो जम्बे जी भगवान के आता हूँ, यानी कि गुरु जी जम्बे जी भगवान ने सन 1508 में विष्णु संप्रदाय की जो स्थापना की हुई। और भी मैं अपने विष्णु समाज में शब्दवाणी बोलिया गुरु जम्बे जी भगवान, मतलब शब्दवाणी के माध्यम संदेश दियो और भगवान ने 51 वर्ष तक पूर्व भारत में भ्रमण किया। हमने हाथ चोर हड्डी चान इसरो लेने और अदरवाइज जो भी गांव है भी थी घूम उड़ा, ठीक है। और बिंग बाद में गुरु जम्बे जी भगवान ने 29 नियम बताया और भी 29 नियम 8 गुरु समाज आज भी चलते हुए और जो भी 29 पालन कर रहे हुए भगवान के नाम और नियम के नाम और वो आज भी आदमी सुखी है और अपने जीवन में एक स्वाभिमान जिंदगी जी रही हुए। और आज जो आप बात करा मुक्तिधाम मुकाम के बारे में, मुक्तिधाम मुकाम के बारे में बात करा तो हर साल मुक्तिधाम मुकाम में मेलो भरी जाए, जो बहुत ही श्रद्धालु अपने विष्णु समाज का हर जिले उन हर डिस्ट्रिक्ट उन हर राज्य में आवे। जो आप एक दूजा ने देखा आपन भी लगेगा आदमी तो आए हो हरियाणा आए हो पंजाब आयो, तो इन प्रकार आप अपने भाइयों मिला बात करा हमाचार पूछा और यूँ आमने एक नयो नयो परिचय है लोगों को बाता में बांगे पहरावे के बाता हूँ आप बांगे पहनावो और बांगे बाता हूँ बांगे संस्कृति के है रीति रिवाज के हर चीज आप जाना तो अपन एक बहुत बड़ी खुशी मिले। भी मैं आमने साचोरी न मालाणी आमने आमने जो समाज उन सभी एक दूजे मिले जिन्हें बात करे के थे हाजोरी हो ने थे मालाणी हो जिन आपन अपने आपने इतनी बड़ी खुशी वे के आपन आजकल लोग देखो कितने स्वाभिमान आपने पहना हुए हो लगे भाई देखो आडन तड्डान फलाना ढीकड़न मोटन पोट जो भी वे लोग मतलब खुशी वे देखो ईद को ओ पहना हो ईद को ओ कहो आप हरियाणा हम जाए जिन आप लागे के देखो ये थोड़ी जुलाम कितनी आगरी लुगिया लागे जिन आप भी एक मन वे के वास्तव में कतो अच्छो पहना हुए ओन डिजाइन तो एक दूजा आप मिला जी ना लागे जाना आप एक दूजा ने आगा करता पर आगा के ना बहुत अड़गे रह गया जिन्हें आप आपके एरिया में सेटल हो जाए। और अपने समाज में सब पवित्र जो पेड़ है वो खेजड़ली है, यानी कि आप खेजड़ी ने बहुत ही पवित्र आप मान्या करा क्योंकि खेजड़ी आमने लिए बहुत ही पवित्र पेड़ है। और अमृता देवी ने आपने खेजड़ी हरू बलिदान दे दियो पूरे पूरे जोधपुर महाराजा पलाड़ा ढीर पेड़ आप हंडी में आंदा और लोग अत्याचार कर गाँव के खेजड़ी काट के लाओ लकड़िया मेल बनावा, तो भी कंडीशन में आज विष्णु समाज में अमृता देवी ने अपना बलिदान दे दियो बांग दो छोरिया ने और अपने विष्णु समाज जा बूटी अपने विष्णु समाज चमकन डूब गयो के वास्ता में इस समाज की एक अच्छी नींव रही हुई है। और अपने जो इन समाज से वहाँ पर जाके और उन समाज से माफ़ी मांगे कि अगली बार हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो अभी तुम आताशगुड़ा आया जो राजा महाराजा आपस है आपने समाज जो माफ़ी मांगी कि हमारी गलती होगी मारा आदमी गलती होगी तेमन माफ़ कर दो। तो बिंगे बाद खेजड़ली अमृता देवी के नाम पूरे वर्ल्ड में भी तो घूमन आवे टूरिस्टर भी हम आवे पहल के हूँ भी तो गो खेजड़ली जिंदा टूरिस्टर भी आवे के वास्तव खेजड़ली बलिदान में महिला में दो बच्चियां ही यानी कि अमृता देवी माता जी बिंग नाम जैसे कितना कितना लोग आवे के वास्तव में कितो हमने विष्णु समाज में कितो पर्यावरण प्रेम और कितो आज पर्यावरण प्रेम है। आज एक कोई कुत्ते के कोई दूजुड़े कोई भाटो बाधे तो आपन री आवे के देख कमीन कुत्ते ने कुटे शर्म आवनी चाहिए, एक प्राणी है बेजुबान प्राणी है इनकी तो हो सके तो सुरक्षा करो बिन पालो या की भी प्रकार को जीव हो मतलब है जीव मात्र की रक्षा करो जीव मात्र प्रेम रखो ताकि वो भी एक प्राणी है वो बोल नहीं सके तो आमने वो हर चीज तो समझ सके के आमने प्रति ये कितना लोग आप प्रेम करे। तो इन प्रकार हूँ आप सभी समाज हूँ या आप सभी भी प्रकार लोगों को कहना चाहूँ आप एक जीव मात्र प्रेम करो तो आपने भी एक अद्भुत एक जैसे अपने आपने फील आएगी वास्तव में आमने लिए देखो तो करी देखो आप कितो अच्छो काम कर रहे हैं। तो ई बात माता एक सच्चिदानंद जी महाराज को एक बहुत ही अच्छा भजन गौड़ो लो तो होना
जो बनिया रे पाना में भगवान ले खो ले सियो राज। जो बनिया रे पाना में भगवान ले खो ले सी राम। जो बनिया रे पाना में, जो बनिया रे पाना में भगवान ले खो ले सियो राज। जो बनिया रे पाना में। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को कर दो लाइक, और उसे भी अच्छा लगा तो कर दो शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, राम राम, नमो प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।